इंटरव्यू प्रिपरेशन किट के अंदर एरिया का ये फोर्थ क्वेश्चन है, न्यू ईयर चाउल्स। सो इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि एक रोलर कोस्टर के लिए कुछ पर्सन खड़े हैं लाइन में, एंड अगर उनके पास में स्टिकर है किसका कौन सा नंबर कब आएगा उसी हिसाब से उनको लाइन में खड़ा होना। तो अगर कोई इंसान कोई पर्सन अपने सही पोजिशन पर नहीं है, ठीक है, तो इस तरीके से उस लाइन में कितने ऐसे पर्सन हैं जो अपनी सही पोजीशन पे खड़े नहीं है, और उनको अपनी सही पोजीशन पे लाने के लिए कितने हमें ब्राइब्स की नीड होगी, तो वो ब्राइब्स की हमें काउंटिंग निकालनी है, ठीक है। एंड एक कंडीशन यहाँ पे है कि अगर किसी भी पर्सन की ब्राइब 2 से ज़्यादा अगर निकलती है, 3 या 3 से ज़्यादा, ठीक है, तो वहाँ पर हमें प्रिंट कर देना है एंड रिटर्न कर देना है कि 2 चाओटिक, ठीक है, ये कंडीशन है। एंड अगर किसी भी पर्सन की 2 या 2 से कम है तो उन सब की ब्राइब्स हमें काउंट करनी है, सम करना है उनका, एंड हमें वो रिटर्न करना है, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेके हम देखते हैं, जो कि यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है 4, 1, 2, 3, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको एक एरे के अंदर मैं ले लेता हूँ 4, 1, 2, 3, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा ऐसा पर्सन है जो अपनी सही पोजीशन पे नहीं खड़ा है। तो 4 हमें सामने दिख रहा है कि ये अपनी सही पोजीशन पे नहीं खड़ा है, ठीक है। तो इसको अगर सही पोजीशन पे लाने के लिए अगर हम सही पोजीशन अगर हम बनाते हैं तो ये इस तरीके से खड़े होने चाहिए, ठीक है। अब तो 4 को अपनी सही पोजीशन पे लाने के लिए हमें 3 ब्राइब की नीड होगी, राइट। एंड बाकी अगर हम 4 को सही पोजीशन पे लाते हैं तो बाकी ऑटोमेटिकली सही पोजीशन पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा जो आंसर होगा इसका वो होगा 3। अब ये किस तरीके से निकलेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले हम इनका कंपैरिजन करेंगे कि ये अपनी सही पोजीशन से कितना डिफर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफर है 3, राइट। सो इस तरीके से उसका ब्राइब निकल के आ जाएगा 3। बट इसको हम सोल्व किस तरीके से करेंगे एल्गोरिथम में, तो यहाँ पे हम एक लेंगे फोर लूप और ये चलेगा 0 से n तक, ठीक है। एंड अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फोर लूप हम यहाँ पे ले लेंगे, एंड इस जगह पे हम एक पॉइंट हम रखेंगे यहाँ पे, एक पॉइंट हम रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। एंड एक ये जो पॉइंट है ये दोनों, एक पॉइंट को मैं ले लेता हूँ, एंड एक जो इनिशियल जो वैल्यू है वो ले लेता हूँ मैं फॉर लूप के बाहर, वो ले लेता हूँ ब्राइब, ठीक है, उसकी वैल्यू ले लेता हूँ 0, फाइन। सो ब्राइब मैंने यहाँ पे ले लिया 0। अब यहाँ से जब हम इनको चेक करेंगे कि अगर इनकी पोजीशन, यहाँ पे ये फॉर लूप है, ये 0 से n तक चलेगा, एंड यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे कि अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तब हम क्या करेंगे, इसका जो एक्चुअल पोजीशन है उसका हम डिफर निकालेंगे, e की वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे अगर e इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 देन प्रिंट जो हमारा 2 चाओटिक है वो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, एंड else हम क्या करेंगे, else हम कर देंगे ब्राइब के अंदर हम डाल देंगे e को, ठीक। नाउ ये इतना हमें इस इफ के अंदर करना है,
एंड एल्स में हमें क्या करेंगे, एल्स में करेंगे अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, अगर ये दोनों नॉट इक्वल है तो हम क्या करेंगे कि ये जो शॉर्टेड एरे का जो इंडेक्स है उसको हम इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं ले लेता हूं एक, ले लेता हूं इंडेक्स। ठीक है, ये इंडेक्स फॉर लूप के साथ चलेगा, इक्वल टू जीरो एंड सॉर्टेड इंडेक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अगर ये इक्वल है तब हम कर देंगे जो सॉर्टेड इंडेक्स है उसको हम इंक्रीमेंट कर देंगे। एंड फाइनली फिर हम क्या करेंगे, जो इंडेक्स है उसको हम करेंगे इंक्रीमेंट एंड ये फॉर लूप का बॉडी क्लोज हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, ये यहाँ पे आएगा, चेक करेगा कि इक्वल है इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, तो हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि इसके और इसके बीच में कितने डिफर है, तो ये कहेगा कि बिल्कुल 3 डिफर है, तो ये प्रिंट कर देगा टू चाओटिक। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये टू चाओटिक प्रिंट कर देगा, बट लेट सपोज कि इसकी जगह पे कुछ इस तरीके से अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, लेट से मैं यहाँ पे एक अलग से कोई एग्जांपल लेता हूँ छोटा सा। सो यहाँ पे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं कि किस तरीके से सोल्व होगा। तो लेट से कि हमारे पास में है 2, 1, 5, 3 एंड 4, ये हमारा एरे है। अब इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक सॉर्टेड एरे ले लेंगे, इसको पहले हम सॉर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो सॉर्ट करेंगे तो हमारे पास जो एरे आएगा वो इस तरीके से आएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, राइट। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा कि 2 को सही पोजीशन पर जाने के लिए कितने ब्राइब की जरूरत पड़ रही है, 1 की। 5 को सही पोजीशन पर जाने के लिए कितने ब्राइब की जरूरत पड़ रही है, 2 की। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 2 चाओटिक नहीं, आंसर होगा 3। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे किसी भी सिंगल पर्सन की ब्राइब जो है 2 से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमने दो एरे लिए, दो इंडेक्स हम ले लेंगे और हम स्टार्ट करेंगे 0th इंडेक्स से दोनों से। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जब लूप हमारा चलेगा तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे एंड इसको चेक करेंगे कि ये दोनों जो वैल्यू है क्या ये सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो फिर हम क्या करेंगे कि जो शॉर्टेड एरे है उसकी वैल्यू को हम इंक्रीमेंट कर देंगे, नेक्स्ट हमें चले जाएंगे। एंड हर एक लूप के बाद इसकी जो इंडेक्स की जो वैल्यू है वो हमेशा बढ़ेगी, यानी कि ये हमेशा बढ़ेगा। ठीक है, बट शॉर्टेड इंडेक्स की वैल्यू तब बढ़ेगी जब इन दोनों का कंपैरिजन होगा एंड वहां पे अगर सेम मिल जाता है। ठीक है, दोनों अगर सेम नहीं होते हैं तब तो नहीं बढ़ेगा, जब सेम है तब ये एल्स के अंदर जाएगा एंड यहाँ पे शॉर्टेड इंडेक्स की वैल्यू को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम चलाएंगे, ये लूप चलेगा एंड यहाँ पे देखिएगा कि अब जो ये ई है यहाँ पे हम ई की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम देखेंगे कि भाई ये जो टू है इसकी इंडेक्स कहाँ पे है एक्चुअल में, तो इसकी इंडेक्स है भाई यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी जहाँ पे भी इंडेक्सिंग हमें मिलेगी, जिस पोजीशन पर हमें इंडेक्स, इस इंडेक्स की पोजीशन शॉर्टेड एरे के अंदर जहाँ पे हमें मिलेगी उसका और जो शॉर्टेड इंडेक्स जो है, यानी कि ये इसकी जो वैल्यू है एंड इसकी जो इंडेक्स है सॉर्टेड एरे के अंदर उसका हम डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, तो वो क्या होगा, तो सॉर्टेड एरे की वैल्यू 0 एंड इसकी वैल्यू है 1। ठीक, तो 1 माइनस 0 क्या आएगा, 1। तो ब्राइब की वैल्यू यहाँ पे बढ़ के हो जाएगी 0 से 1। ठीक है,
अब यहाँ पे हमें एक और चीज करनी, क्या चीज करनी है कि जब हमें इसको हमने देख लिया कि इसमें ब्रेब की कितने की नीड होगी हमने निकाली, तब हमें क्या करना है कि सॉर्टेड एरे में से इस टू को, इस इंडेक्स को हमें हटा देना है और फिर हमें जो नया एरे मिलेगा वो मिलेगा 1, 3, 4 एंड 5। अब ये हम क्यों हटा रहे हैं, इसका रीजन ये है कि जब हमें नेक्स्ट टाइम, मान लो हम यहाँ पे 1 एंड हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट हमारा जो एलिमेंट है वो कहाँ पे है, तो यहाँ पे, तो इसका और इसका डिफरेंस हम निकालेंगे तो ये 2 का तो ऑटोमेटिकली काउंट हो चुका है, तो ये दोबारा काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें दोबारा काउंट नहीं करना, इस वजह से हमने इसको यहाँ से हटा दिया है, ठीक है। अब नया एरा हमें मिल गया है 1, 3, 4, 5 एंड अभी हमारी जो सॉर्टेड इंडेक्स की जो वैल्यू वो यहाँ पे है एंड लूप खत्म हो गया। अब हम आ गए यहाँ पे, 1 एंड 1 को हमने कंपेयर किया तो ये इक्वल है, तो अब हमारा सॉर्टेड ये इसके अंदर जाएगा एंड सॉर्टेड इंडेक्स की वैल्यू हमारी बढ़ जाएगी एंड हम आ गए यहाँ पे। अब इसकी वैल्यू हो गई 0 से 1 एंड लूप खत्म हो गया, तो हम आ गए यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ये किसी को भी चेंज नहीं करेगा, क्योंकि जब 2 ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है तो ये 1 तो ऑटोमेटिक चेंज हो गया, तब ब्राइब की जरूरत है ही नहीं कि हमें ब्राइब वहाँ पे काउंट करें। अब हम 5 पे आ गए, 5 एंड 3 को हमने कंपेयर किया, इन दोनों का कंपेरिजन होगा कि ये दोनों इक्वल है, नॉट इक्वल है, तब हम क्या देखेंगे कि इस 5 की जो एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल जो इंडेक्स होनी चाहिए वो कहाँ पे होनी चाहिए, वो यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये एक्चुअल इंडेक्स हमने यहाँ पे निकाल ली कि ये वाली है, तो ये आई हमारी 3 माइनस सॉर्टेड इंडेक्स, तो ये है यहाँ पे 1, ठीक है, तो ये हो गया 2। अब ये 2 क्या करेंगे, हम इस ब्राइब के अंदर डाल देंगे, तो ये हो गया ब्राइब 1 प्लस 2, जो कि हम ये चीज यहाँ पे कर रहे हैं। एंड फिर हम क्या करेंगे, इस 5 को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, जिस तरीके से हमने 2 को रिमूव किया। जैसे ही ब्राइब हम काउंट कर लेते हैं जिस एलिमेंट की, उस एलिमेंट को सॉर्टेड एरे में से हमें रिमूव कर देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक और लाइन का कोड लिखेंगे कि जो सॉर्टेड एरे है, सॉर्टेड एरे में से हमें क्या करना है, रिमूव करना है उस एलिमेंट को, ई प्लस सॉर्टेड इंडेक्स, ठीक है। तो हम रिमूव कर दिया, अब हम जैसे ही रिमूव करेंगे यहाँ पे ब्राइब की वैल्यू हमारी बढ़ गई है, तो अब नया एरिया हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 1, 3 एंड 4, ठीक है, ये एरिया हमें मिला। अब हमारा सॉर्टेड इंडेक्स जो है यहाँ पे एंड इंडेक्स की वैल्यू बढ़ गई एंड हम आ गए इस वाले इंडेक्स पर 3 पर। अब 3 एंड 3 का कंपेरिजन होगा, दोनों इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, सॉर्टेड इंडेक्स की वैल्यू को बढ़ा देंगे। सॉर्टेड इंडेक्स की वैल्यू जैसे ही बढ़ी, इंडेक्स की वैल्यू भी बढ़ गई, लूप खत्म हो गया, तो हम आ गए यहाँ पर। अब 4 एंड 4 को हमने कंपेयर किया, देखा कि भैया इक्वल है, हाँ इक्वल है, तो क्या करो, इंडेक्स की वैल्यू को, सॉर्टेड इंडेक्स की वैल्यू को बढ़ा दो एंड इंडेक्स की वैल्यू भी बढ़ जाएगी एंड यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, लूप खत्म हो जाएगा। एंड फॉर लूप हम ना लगा के हम यहाँ पे व्हाइल लूप भी लगा सकते हैं, जब अगर हम मैनुअली हम अगर इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे फॉर लूप भी लगा सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये इस तरीके से, अब 1 एंड 2 देखो इस तरीके से ये आंसर निकल के आया, और यहाँ पे भी हमने देखा था कि 1 एंड 2, ठीक है। तो ये चीज हम कोड के अंदर लिखते हैं, तो कोड के अंदर जब हम लिखेंगे तो इस तरीके से हम लिखेंगे, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सॉर्टेड इंडेक्स यहाँ पे मैंने सॉर्ट कर लिया, देन उसके बाद में मैंने एक इंडेक्स लिया एंड एक सॉर्टेड एरे का भी इंडेक्स ले लिया, और उसको मैं क्या कर रहा हूँ, इंडेक्स एक लूप लगा रहा हूँ जो कि 0 से लेके काउंट -1 तक चलेगा। एंड यहाँ पे मैं जो कंसोल है ये मैं हटा देता हूँ, ये भी जो कंसोल है वो भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं जो डिफरेंस है वो मैं निकाल रहा हूँ, और जो इंडेक्स
कि जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को मैंने यहाँ पे निकाल लिया, और उस एलिमेंट की सॉर्टेड एरे के अंदर मैं इंडेक्स निकाल रहा हूँ, और उस इंडेक्स का डिफरेंशिएट कर रहा हूँ कि सॉर्टेड एरे का जो इंडेक्स है वो कहाँ पे है उसके साथ में, तो ये डिफरेंस निकाल के दे देगा। अगर ये मोर देन 2 है, ग्रेटर देन 2 आ रहा है, तो मैं 2 चाओटिक रिटर्न कर दूंगा एंड उसको वहीं पे क्लोज कर दूंगा। अदरवाइज मैं क्या करूँगा, ब्रैक के अंदर एड कर दूंगा, एंड एड करने के बाद में उस एलिमेंट को सॉर्टेड एरे में से मैं क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा। ठीक है, इस हिसाब के अंदर ये मेथड होते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, ये रिमूव हो जाता है वो इंडेक्स। ठीक है, तो 5 एलिमेंट्स अगर उसके अंदर है, तो जो भी एलिमेंट हम रिमूव कर रहे हैं तो वो उसके बाद में एरे 4 एलिमेंट का हो जाता है। ठीक है, एंड अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, एल्स के अंदर जाएंगे एंड सॉर्टेड एरे का जो इंडेक्स है उसको हम बढ़ा देंगे एंड इंडेक्स की वैल्यू हम यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, और फाइनली हम फिर क्या करेंगे, ब्राइब की जो भी वैल्यू हमें मिलेगी उसको हम रिटर्न कर देंगे, मीन्स रिटर्न नहीं करेंगे, हम प्रिंट करा देंगे। ठीक है, ओके, तो इसको जैसे ही हम रन करेंगे, ओके, सो ये प्रोसेसिंग हो चुका है और जो नॉर्मल से जो टेस्ट है वो पास हो चुका है। अब मैं इसको करता हूँ सबमिट, तो यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी हमारी चेक हो जाएगी, टेस्ट हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा टेस्ट केस पास होने में, एंड क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लाखों एलिमेंट्स होंगे किसी टेस्ट के अंदर, तो ये सारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह सब कुछ चेक करके निकाल के दे देगा। तो फाइनली ये दे दिया है, कॉन्ग्रेचुलेसन, और सारे के सारे जितने भी टेस्ट केस थे वो पास हो गए हैं। सो इस तरीके से ये ट्यूशन सोल्व हो जाता है इस हिसाब के अंदर, बहुत ही सिंपल सा है। सो बस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो सकता है आप सोल्व करोगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा निकल के आ जाए उसके अंदर, बहुत ज़्यादा टाइम वो कंज्यूम कर रहा होगा, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए ट्राई करो कि एक बार आप एरे को सॉर्ट कर लो, ठीक है, एंड देन उसके बाद में एक और लूप लगा लो। लूप के अंदर लूप लगाने की बजाय आप लूप के अंदर जो लूप लगा रहे हो उसको बाहर वाले लूप से के साथ लगा लो, बाहर वाले लूप के साथ लगा लो, ठीक है, अंदर ना लगा के, तो वहां पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। ठीक है, सो इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट वाली जो प्रॉब्लम है उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर इस प्रॉब्लम को लेके अगर आपका कोई भी कंसर्न हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।